शहरवासियों के लिए दस्तरखान रेस्टोरेंट लेकर आया है पारंपरिक मुगलाई खाना। रिंग रोड जाफरनगर स्थित केआरसी लॉन के पास दस्तरखान टेस्ट एंड ट्रेडिशन रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। इस दस्तरखान टेस्ट एंड ट्रेडिशन रेस्टोरेंट का उद्देश्य है कि शहरवासियों को पारंपरिक मुगलाई खाने का आस्वाद मिल सके। दस्तरखान रेस्टोरेंट के जरिए दो भाइयों ने मिलकर शहरवासियों के लिए मुगलाई खाना लेकर आए हैं। पारंपरिक तरीके से मुगलाई खाना खिलाने की मंशा अशफाक शेख और असलम शेख इन दो भाइयों में थी और दस्तरखान के जरिए ये मंशा अब पूरी हो रही है। दस्तरखान और अन्य सुविधाएं भी शहरवासियों के लिए लेकर आया है, जैसे कि बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, छोटी मोटी पार्टियां यहां पर की जा सकती है। साथ ही फैमिली के लिए मचान, हंट, दस्तरखान जैसी सुविधाएं भी दस्तरखान में दी गई है। तो एक बार अवश्य दस्तरखान में जाकर मुगलाई खाने का आस्वाद लीजिए। मेहमान नवाजी अपने आप में एक बहुत ही फख्र की बात होती है। दस्तरखान इस नाम में ही एक जो खिलाने की भावना है वो ओतप्रोत होती है और ऐसे ही सुंदर नाम के साथ नागपुर को एक लैंडमार्क देने जा रहे हैं हमारे जो परिवार है। हम उनसे सीधे बात करते हैं कि दस्तरखान के पीछे की क्या कहानी और किस तरह से आज इस दस्तरखान का यहाँ पर आगाज हुआ है। सर, पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, इतना सुंदर सा आशियाना आपने नागपुर वासियों को दिया हुआ है। शुक्रिया। क्या कल्पना थी इसके पीछे? इसके पीछे कल्पना थी एक इस्लामिक कल्चर को लेके, जिस तरह दस्तरखान बोलते हैं जो खाना खाने के लिए बिछाया जाता है, तो ये मुसलमान कम्युनिटी में इसका एक प्रथा, इसकी प्रथा है, तो उसको देखते हुए दस्तरखान नाम रखा गया है और उसी को फॉलो किया गया है कि बाकायदा दस्तरखान बिछा के यानी खाना खाने का एक अपना एक अलग ही मज़ा होता है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सब सारी चीज़ों का सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। दस्तरखान बहुत ही बेहतरीन नाम आपने रखा है, जिसके पीछे एक जो खिलाने की भावना है नागपुर वासियों को, आपने बहुत ही सुंदर आशियाना दिया। क्या कल्पना रही इसके पीछे? इसके पीछे हमारी कल्पना ये थी कि जो हमारे शहरवासी जो है उनको एक ओरिजिनल तरीके से मुगलाई जो कहा जाता है, हाँ मुगलाई जो पारंपरिक जो खाना है वो देने की हमारी मंशा थी और हमने कोशिश करी है। अब आप हमें मौका दीजिए कि हम उसमें कामयाबी हो सके और आप भी उसमें उस जायके का आनंद लीजिए। ये हमने पूरी कोशिश की है कि ये पूरा एक ट्रेडिशनल तौर पे जो है पारंपरिक जो एक ट्रेड रहता है, जिस हिसाब से इन्हें खाना खिलाने का मुगलाई पैटर्न जो होता था, उस चीज़ को, डिशेज को, उसके खान पान को, उसके आदाब को, हर चीज़ को हमने अपनाने की कोशिश की है अपने शहरवासियों के लिए। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप हम दोनों भाइयों को अपनी सेवा का एक बार मौका दें और बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैं अहम सवाल पूछना चाहूँगा कि जब नागपुर वासी यहाँ पर आएंगे तो वो भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या सुविधाएं आप यहाँ पर आप लोगों को देना चाहते हैं। कोशिश हमारी ये रहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पास जो भी हमारे कस्टमर है उनको हम उनके दिल लायक जो है यानी सेटिस्फेक्शन दे सके और जो बेहतर से बेहतर हो सके उनके हक में। क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पर किए जा सकते हैं? यहाँ पे आप जो है बर्थडे पार्टी हो गया, किटी पार्टी हो गया और छोटे जो फंक्शन है एंगेजमेंट हो गया, एनिवर्सरी हो गई, जो आप जो छोटे मोटे 300-500 लोगों का प्रोग्राम आप जो है उस पर कर सकते हैं। बाकी जो फैमिलीज अपने बैठने के लिए मचान है, हंट है और यहाँ दस्तरखान है नीचे, आप उन सब का भी आनंद ले सकते हैं। बाकी जो फिर से आप भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो प्यार है आपके चेहरे पे दोनों भाइयों के लिए झलक रहा है और एक बेहतरीन जो है इंटीरियर का यहाँ पर नमूना पेश किया गया है। फिर से हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दस्तरखान इस नाम में ही जो है एक स्वागत या खाने के लिए जो एक जो कपड़ा बिछाया जाता है उसे कहते हैं दस्तरखान और उसके पीछे भावना होती है कि आइए आपका स्वागत है और आप लजीज व्यंजनों का आप आस्वाद लीजिए। तो इसी भावना के साथ में एक दस्तरखान जो है भाइयों ने यहाँ पर हमारे लिए पेश किया हुआ है नागपुर वासियों के लिए। इनविशन न्यूज़ के लिए रत्नाकर की रिपोर्ट।